हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज आशीष राठौर। आई एम बैक विद अनदर वीडियो। दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल पर, और आपके लिए मैं एक और बेहतरीन न्यूज़ ले आया हूं। अगर आप तेजस एक्सप्रेस के फ़ैन हैं और इस ट्रेन को बहुत पसंद करते हैं तो आपके लिए एक अच्छी न्यूज़ है। दूसरी तेजस एक्सप्रेस, जिसके बारे में मैंने बताया था कि अहमदाबाद और मुंबई के बीच में एक और IRCTC तेजस चलाई जाएगी, उसका टाइम आ चुका है। और आखिरकार मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने ट्यूसडे को बताया कि हमने इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया है और ये ट्रेन चलाई जाएगी। तो बात करते हैं इस ट्रेन के बारे में, क्या होगा शेड्यूल और किस तरीके से ये ट्रेन चलाई जाएगी, किन किन रेलवे स्टेशन पर इसका स्टॉप होगा। एक नोटिस इशू किया गया वीके सिन्हा, डिप्यूटी डायरेक्टर ऑफ रेलवे बोर्ड। उस नोटिस के तहत मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने अप्रूव्स कर लिया है प्रपोजल ऑफ इनॉग्रल रन ऑफ 82901 एंड 82902। इसमें जो 82901 नंबर है वो है मुंबई सेंट्रल टू अहमदाबाद IRCTC तेजस एक्सप्रेस, और जो 82902 है वो है अहमदाबाद टू मुंबई सेंट्रल IRCTC तेजस एक्सप्रेस। और इसका इनॉग्रल रन जो होगा दोस्तों, ये होने जा रहा है अगले साल जनवरी में 2020 को, 17 जनवरी 2020 डेट तय की गई है। और जो इसका कमर्शियल रन होगा इनॉग्रल रन के बाद, वो होगा 19 जनवरी 2020 को। तो इस तरीके से यहाँ पे पूरी तरीके से शेड्यूल रखा गया है। ये ट्रेन कवर करती है टोटल अप्रॉक्स 493 किलोमीटर का डिस्टेंस, और जो मुंबई सेंट्रल से अहमदाबाद जाती है वो लेती है पूरे 6 घंटे 15 मिनट, और जो मुंबई सेंट्रल आती है अहमदाबाद से वो लेती है 6 घंटे 30 मिनट, इतनी ही दूरी को तय करने के लिए। और अब मैं आपको बताऊंगा इसका शेड्यूल, जो कि रिलीज हो चुका है IRCTC की वेबसाइट पर, आ चुका है, अपडेट हो चुका है। और पहले इसमें सिर्फ 2 स्टॉपेज रखे गए थे, वडोदरा और सूरत, अब इनको बढ़ा करके 6 कर दिया गया है। और वो 6 स्टॉपेज किस तरीके से हैं आपको मैं बताऊंगा बारी बारी से, और जो इसका फेयर है उसकी जानकारी भी आपको मिलेगी। तो चलिए अब इसकी जानकारी लेते हैं किस तरीके से इसका शेड्यूल है और फेयर है। दोस्तों हफ्ते में ये ट्रेन थर्सडे को नहीं चलेगी और बाकी 6 दिन चलेगी। अब बात करते हैं 82902 का टाइम टेबल। अहमदाबाद से ये ट्रेन चलेगी सुबह 6:40 पर, 7:19 पर नाड़िया जंक्शन में पहुंचेगी, वहां पर इसका 2 मिनट का स्टॉप होगा। उसके बाद 8:03 पर वडोदरा जंक्शन पहुंचेगी, और यहां पर इसका स्टॉप होगा 5 मिनट का। उसके बाद 8:56 पर भरूच पहुंचेगी, और यहां पर इसका 2 मिनट का स्टॉप होगा। सूरत पहुंचेगी 9:35 पर, यहां पर इसका 3 मिनट का स्टॉप होगा। वापी पहुंचेगी 10:55 पर, और 2 मिनट का यहाँ पे स्टॉप होगा। बोरीवली पहुंचेगी ये 12:31 पर दोपहर के, और वहां पर इसका 2 मिनट का स्टॉप होगा। 1:10 पर फिर ये मुंबई सेंट्रल पहुंच जाएगी पूरे 6:30 का वक्त लेने के बाद। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ क्या होगा फेयर। फेयर क्योंकि डायनेमिक प्राइसिंग लगेगा चेयर कार में भी और एग्जीक्यूटिव चेयर कार में भी, तो उस हिसाब से बदल सकता है। लेकिन अभी क्योंकि नई नई ट्रेन लॉन्च हुई है तो कोई भी सीट बहुत ज्यादा बुक नहीं हुई है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, तो उस हिसाब से 1362 रुपये के इर्द गिर्द ही होगा कोई ना कोई जो प्राइस होगा डायनेमिक प्राइसिंग के बाद भी चेयर कार का। तो 1362 रुपये रखा गया है, और इसके अंदर केटरिंग का इंक्लूड हो गई, और साथ में एग्जीक्यूटिव चेयर कार का रखा गया है 2547 रुपये। इसके आसपास ही आपका ऊपर नीचे होगा डायनेमिक प्राइसिंग। तो दोस्तों इसकी जो टक्कर है ठीक ठीक शताब्दी एक्सप्रेस से है। शताब्दी एक्सप्रेस भी 6:35 लेती है इसी रूट पर, और जो शताब्दी एक्सप्रेस है उसका चेयर कार का 1195 रुपये लगभग होता है, और एग्जीक्यूटिव चेयर कार का 1825 और अनुभूति कोच का 2125 होता है लगभग। तो IRCTC ने ज़्यादा नहीं बढ़ाए हैं रेट, बहुत ही नज़दीक रखा है, क्योंकि सुपीरियर ट्रेन है तेजस एक्सप्रेस शताब्दी से थोड़ा ज़्यादा। तो आप इसके एग्जीक्यूटिव चेयर कार को शताब्दी के अनुभूति से कंपेयर कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं 82901 की। तो दोस्तों 82902 जो है मुंबई सेंट्रल से निकलेगी 3:40 पर दोपहर के, और उसके बाद बोरीवली पहुंचेगी 4:14 पर, वहां पर इसका 2 मिनट का स्टॉप रहेगा। फिर वापी पहुंचेगी 5:37 पर, वहां पर इसका 2 मिनट का स्टॉप रहेगा। उसके बाद सूरत पहुंचेगी 6:47 पर, यहाँ पे इसका 3 मिनट का स्टॉप रहेगा। उसके बाद ये पहुंचेगी भरूच 7:29 पर, यहाँ पे इसका 2 मिनट का स्टॉप रहेगा। उसके बाद वडोदरा 8:18 पर, यहाँ पर इसका 5 मिनट का स्टॉप रहेगा। उसके बाद नाडियाड 9:03 पर, यहाँ पे इसका 2 मिनट का स्टॉप रहेगा। फिर आखिरकार अहमदाबाद जंक्शन ये पहुंच जाएगी 9:55 पर, और इस तरीके से यहाँ पर ये एक दिन में 2 जर्नी पूरी कर लेगी। तो दोस्तों इस ट्रेन का जो चेयर कार का किराया है वो 1347 रुपये अभी मैं देख पा रहा हूँ, जैसे कि, और थोड़ी देर पहले मैंने 2-3 घंटे पहले जब देखा था तो ये 1274 रुपये भी था। तो इसमें आप समझ सकते हैं कि सीट बुक होने से कुछ डायनेमिक प्राइसिंग का असर पड़ा है। तो आप अप्रॉक्स मान के चलिए कि 1300 के आसपास इसका मेन प्राइस हो सकता है,
और यही आप अनुमान लगा के चल सकते हैं। साथ में जो एग्जीक्यूटिव चेयर कार का है इस ट्रेन का, वो 2537 रुपये दिखा रहा है, और थोड़ी देर पहले मैंने सुबह देखा था तो 2374 रुपये दिखा रहा था। 2537 जो इसका प्राइस अभी दिखा रहा है उससे कम प्राइस भी हो सकता है, ऐसा मत समझिए कि ये रियल प्राइस है। तो इस तरीके से डायनेमिक प्राइसिंग का असर है। तो अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि शताब्दी एक्सप्रेस जो कि 12009 चलती है वहां पर, इन दोनों ही मुंबई सेंट्रल और अहमदाबाद के बीच में, उसको अगर आप प्रेफर करते हैं तो आपको क्या फायदा, और इसको प्रेफर करते हैं तो क्या फायदा। देखिए दोस्तों, दोनों ही बहुत अपने आप में अच्छी ट्रेनें हैं, लेकिन अगर तेजस के किराए का फायदा उठा सकते हैं, अगर आपके अंदर एबिलिटी है, आप जानते हैं कि डायनेमिक प्राइसिंग का फायदा कैसे उठाना है, अगर आपको जाना है, आप प्लान कर रहे हैं, तो क्योंकि अभी तेजस इतनी भरी हुई नहीं है और तेजस की सर्विस बहुत अच्छी है, और आपको भी अच्छा लगेगा किसी अच्छी ट्रेन में आप बैठने वाले हैं पहली बार, और पहले बंदे होने वाले हैं जो उस ट्रेन में बैठेंगे, तो आप थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो आप शताब्दी से 100-150 ज़्यादा दे करके इस ट्रेन में बैठ सकते हैं। अगर आप शताब्दी में सफ़र करते रहे हैं तो आपके लिए तो 100-150 आप ज़्यादा दे सकते हैं तेजस एक्सप्रेस के लिए, तो आपको तेजस मिल सकती है। तो अभी बहुत अच्छा मौका है, आप डायनेमिक प्राइसिंग का फ़ायदा उठा सकते हैं, कम प्राइस देखते ही बुक कर दीजिए अगर आप शताब्दी में जाने की सोच रहे हैं। और इस तेजस एक्सप्रेस के बारे में मेरा क्या कहना है, मेरा ये कहना है कि मुंबई सेंट्रल और अहमदाबाद, ये दो बड़ी सिटी हैं, मुंबई महाराष्ट्र की और अहमदाबाद गुजरात की, इन दोनों के बीच में बहुत सारे बिजनेसमैन डेली सफर करते हैं, उन बिजनेसमैन के लिए ये ट्रेन अच्छी साबित हो सकती है। अगर उनको एक ही दिन में कुछ अपना काम करना हो तो बहुत सारे काम उनके ऐसे हो सकते हैं इस ट्रेन के जरिए। फ्लाइट वाली ही सुविधा आपको मिलेंगी, क्योंकि सुविधाएं तो आप लोग जानते ही हैं, जैसे कि लखनऊ न्यू दिल्ली तेजस एक्सप्रेस ठीक ठाक सफल हो चुकी है, तो उसी तरीके से इसके अंदर भी सुविधाएं दी जाएंगी। फ्लाइट अटेंडेंट होता है तो यहाँ पे भी आपको ट्रेन अटेंडेंट देखने को मिल पाएंगी। तो आप गुजरात के लोगों के लिए तेजस एक्सप्रेस का लुफ्त उठाने का वक्त आ चुका है। आप लोगों का क्या कहना है इस ट्रेन के बारे में ज़रूर बताइएगा, और जो भी आपको जानकारी हो मेरे को अपडेट कीजिएगा। दोस्त एक बात और आपसे करना चाहूँगा, रेलवे के पास जो अभी पैसों की कमी है उसके लिए रेलवे ने जो अभी न्यू चीज़ें करना शुरू करा है कि अब पैसा उनसे लिया जाए जो पैसा दे सकते हैं ज़्यादा ज़्यादा सुविधाओं के लिए, तो उनके लिए ये ट्रेन है। और अगर नीचे तबके की बात करें, मीडियम और मीडियम से भी नीचे वाले व्यक्तियों की बात करें, उन व्यक्तियों के लिए भी रेलवे काम कर रहा है। ऐसी बात नहीं कि रेलवे नहीं कर रहा है, बहुत ज़्यादा काम उन्हीं के लिए कर रहा है। दीनदयालु कोचेस की बात हो जनरल कैटेगरी में, तो जनरल कोचेस की सुविधाएं भी बढ़ाई गई हैं, ज़्यादा से ज़्यादा दीनदयालु कोच एलएचबी फाइट कोचेस रेलवे जनसाधारण एक्सप्रेस जैसी ट्रेन्स में और जो नॉर्मल ट्रेन चलती हैं एक्सप्रेस ट्रेन्स उनमें लगाए तो और अच्छी सुविधाएँ मिलेंगी। वैसे मैंने देखा है बहुत चेंज आया है एलएचबी फाइट ट्रेन्स में, लोगों को बहुत मज़ा भी आ रहा है, और साथ में अंत्योदय एक्सप्रेस की संख्या और बढ़ाई जाए मैं इसके पक्ष में हूँ। तो हर तबके के लिए ट्रेन है, रेलवे जहाँ से कमा सकता है वहाँ उसको कमाना ही पड़ेगा, जबी तो वो नीचे वाले तबकों को ज़्यादा मदद कर पाएगा, रेलवे ज़्यादा सुविधा दे पाएगा, इसलिए तेजस एक्सप्रेस जैसी ट्रेन्स की आवश्यकता है। IRCTC को ये ट्रेन 3 साल के लिए दी गई है, और जो IRCTC प्रॉफिट मेक करता है उससे ओवरऑल हमारे रेलवे का ही फायदा होता है, क्योंकि IRCTC गवर्नमेंट की ही कंपनी है जैसे कि आप लोग जानते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, गॉड ब्लेस यू ऑल, अपनी राय देना जरूर मत भूलिएगा कमेंट सेक्शन में। बाय बाय।